अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, दिस इज़ समरीना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। ठीक है, तो मींस बाय द गवर्नमेंट साइड हाउ द माइक्रो एंड मैक्रो पॉलिसीज आर हेल्पफुल टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, और पॉवर्टी होती क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, और माइक्रो मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट कौन से कुछ स्टेप्स लेती है कि उसमें थोड़ी कमी लाई जा सके। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज़ टॉपिक इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी है क्या? हम कहते हैं कि गरीबी है। ठीक है, इकॉनमी में पॉवर्टी की रेशियो ये हो गई है, इतनी है, कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक्चुअल में पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? तो दैट इज़ पॉवर्टी इज़ अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड। ठीक है, तो पॉवर्टी मीन्स जिसमें आप, मैं या सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। अब बेसिक नीड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, या आपके रूम में एसी नहीं लगा हुआ, या आप एक बहुत बड़ी मींस कोठी में नहीं रहते, तो मींस यू आर पुअर और देयर इज़ पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। नहीं, बेसिक नीड्स हमारी जो होती हैं, अगर हम बेसिक नीड की बात करें कि बेसिक नीड होती क्या है, बेसिक नीड तो ये तो हमारी ख्वाहिशें होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं, हम ब्रांडेड ड्रेस पहन रहे हैं, दीज आर नॉट द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स होती हैं बेसिकली फूड, क्लॉथ, शेल्टर। ठीक है, अब बेसिक नीड का मींस यही पर्पज़ है कि हमारा रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारी बेसिक नीड है। तो पॉवर्टी रेफर्स टू दैट कंडीशन व्हेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी फाइंड इट सेल्फ अनएबल टू फुलफिल बेसिक नीड। फाइन, फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो जब ये वाली बेसिक नीड जो होती हैं, अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या कोई फैमिली है वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, तो दैट्स मीन पॉवर्टी। अब यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स में हम पांच चीज़ें लेते हैं, लाइक जैसे कि प्रीवियसली हमने कहा है बेसिक नीड लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पांच बेसिक नीड्स होते हैं हमारे, लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, मीन्स के जस्ट रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी बेसिक नीड है, हमारी एजुकेशन भी बेसिक नीड है, एंड अगर कोई हॉस्पिटलाइज है पर्सन उस फैमिली का, तो वो उसके अखराजात पूरे कर पा रहा है या नहीं, वो भी हमारे बेसिक नीड में इंक्लूड होते हैं। तो मींस कि हम इन पांच बेसिक नीड को देखते हुए ये जज करते हैं कि अगर कोई फैमिली इनमें से बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही, इट मींस दे आर पुअर। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनमें से कोई फैमिली इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, इट मीन्स दे आर पुअर एंड दे इंक्लूड टू द पुअर सोसाइटी, लाइक देयर इज़ पॉवर्टी वी कैन से। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, पॉवर्टी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो पहले किसी भी इकॉनमी में पॉवर्टी होती क्यों है, तो कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है किसी फैमिली की, जबकि रोज़गार का उनका जो नज़रिया है वो होता नहीं है, एक ही बंदा है कमाने वाला है, लेकिन उसकी फैमिली में पर्सन ज़्यादा हैं, या फिर मींस कि उसके किड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करता है कि उनकी बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो हम यूँ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, और मैक्रो लेवल पर बात करें तो वी कैन से देयर इज़ मींस के पॉपुलेशन इन द इकॉनमी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। सेकेंड वन इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी लो होती है, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ पॉवर्टी रेशियो इन द इकॉनमी। हाई लिटरेसी रेट, ठीक है, मीन्स के एजुकेटेड पर्सन भी कम होते हैं। जब वो एजुकेशन का पॉवर्टी के साथ लिंक हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि जब एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे सोसाइटी में, तो उनको जॉब अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है,
वो दिहाड़ी पे काम करेंगे, मजदूरी पे काम करेंगे, कभी उनको रोज़ी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तो मीन्स कि उनकी कोई रेगुलर जॉब नहीं होगी, तो वो जाहिर सी बात है पॉवर्टी को ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली अब हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से अक्कर होती है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जब एजुकेशन लेवल कम होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग भी अनएम्प्लॉयड होते हैं, कि उनके मींस के जिस लेवल की कोई फर्म होती है वो पर्संस को हायर नहीं कर पा रही होती, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑलरेडी उन्होंने वर्कर्स को हायर कर लिया है और मज़ीद वर्कर्स को वो हायर नहीं कर सकते। सो दिस ऑल्सो कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, और जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो वो पॉवर्टी को मींस इंक्रीज़ करने का सबब बनते हैं। इनइक्वालिटी इन द इनकम, अब यहाँ पे एग्जांपल है कि जो रिच है वो रिच होता जाता है, जो पुअर है वो पुअर होते जाते हैं। लाइक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की यहाँ पे बात करें कि वो अपने ही दायरे में रह जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते या फिर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाते हैं, मीन्स उनका कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी कंजम्पशन लेवल जो है उनका लिमिटेड होता है, लाइक लेकिन उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मेजर पोर्शन जो होता है वो सेव करते हैं, उससे मज़ीद अर्न करते हैं, तो वो अमीर होते जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी हो सकता है एक पॉवर्टी का रीज़न, इन्फ्लेशन से मीन्स के महंगाई हो गई है, ठीक है, तो लोगों की अप्रोच से चीज़ें बाहर हो गई हैं, अब वो बेसिक नीड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मीन्स के वो भी पुअर सेक्शन में ही इंक्लूड होंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये भी कह सकते हैं, एवरी ईयर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ इंक्रीजिंगली, सो दिस ऑल्सो कैन लीड्स टू द पॉवर्टी। फाइन, ओके। अब यहाँ पे है, देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकेंड वन इज़ रिलेटिव पॉवर्टी, एज यू कैन सी हेयर। सो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, when people have insufficient income to afford the necessities of life such as food, rent and clothing. अब यहाँ भी हम बात करें people की, absolute poverty means people, that portion of population जो अपनी basic need को fulfill नहीं कर पा रहे, ठीक है, okay, this is called absolute poverty. अब यहाँ पर बात आ रही है relative poverty की, तो when people have income significantly less than the average income of society. अब यहाँ पे हम रेफ़र करते हैं related to income. जब income की बात करें या consumption की बात करें कि किसी का consumption level ज़्यादा है या कम है, उसको हम compare कर रहे हैं, किसी की income को compare कर रहे हैं, तो तब हम उसको consider करते हैं relative poverty. ठीक है, दो टाइप्स हो सकती हैं, दोनों तरह से ही हम इसको देख सकते हैं कि poverty की जो kinds हैं। absolute poverty में हम एक पीपल को देखेंगे, लाइक पोर्शन और द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट दे कांट फुलफिल देयर बेसिक नीड, और रिलेटिव में देखेंगे इनकम लेवल, दैट इनकम लेवल इज़ लेस देन और द कंजम्पशन लेवल इज़ लेस देन दैट, सो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट वन, दे आर सेइंग सम पॉलिसीज सच एज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मे बी सक्सेसफुल इन रिड्यूस एब्सोल्यूट पॉवर्टी बट लेस सक्सेसफुल इन रिलेटिव पॉवर्टी। अब वो कहते हैं जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को तो लेस करने में हमारी मदद करती है, ठीक है, लेकिन उसमें रिलेटिव पॉवर्टी का कोई मीन्स कॉन्सेप्ट नहीं होता, या फिर उसमें इतनी वो सक्सेसफुल नहीं होती जितनी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी पॉलिसीज़ अब एक वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं इन डिटेल। पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, अगर हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ कौन सी होती हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ वो होती हैं जो कि डेवलप नहीं होती, लेकिन वो डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं, कोशिश कर रहे होती हैं वो इकोनॉमीज़, ठीक है। To reduce poverty in developing economies, the focus may be on different policies. अब ये कुछ policies हो सकती हैं जिनको adopt करके मे बी पॉवर्टी में कमी लाई जा सकती है, ठीक है, means इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इन policies से बिल्कुल ही पॉवर्टी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन तक देखें, ये जो पॉवर्टी रिडक्शन का एक प्रोसेस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है,
वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली तो बस अब पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी है। नहीं, पॉवर्टी की रिडक्शन का प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है, काफ़ी ईयर्स के बाद थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। तो मे बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम ये बात कर रहे हों कि लाइक प्रीवियस ईयर में पाकिस्तान में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी लेकिन अब बहुत कम हो चुकी है, और मे बी इंशाल्लाह हम अपने फ्यूचर में ये भी बात करें कि पाकिस्तान अब एक डेवलप कंट्री बन चुका है। तो मीन्स इट टेक्स टाइम, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन। जैसे कि हमने कॉजेज़ में देखा था कि लोग एजुकेटेड नहीं होते। एजुकेशन, ग्रेटर स्पेंडिंग्स ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन बी एबल हायर स्किल्ड वर्कर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पुअर सोसाइटी होती है वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे होते अपने मीन्स किड्स को या फिर अपने चिल्ड्रन को। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप ले लिया जाए कि ओवरऑल इकोनॉमी में एजुकेशन लेवल बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हायर स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे पास मीन्स के जनरेट होगी, जो एम्प्लॉयमेंट जिनको दी जा सकेंगी और वो फिर अपनी फैमिलीज़ को जो है सपोर्ट कर सकेंगे। तो ओवरऑल इस तरह से पॉवर्टी में काफ़ी हद तक रिडक्शन हो सकती है। सेकंड वन इज़ फॉरेन एड, मींस कि हम जो डेवलप कंट्रीज से एड लेते हैं अगर उनको हम हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, ठीक है, उनके लिए हॉस्पिटल्स ऐसे बन जाएं जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए और अच्छा इलाज उनको दिया जाए और एजुकेशन उनको मुफ्त दी जाए और हायर एजुकेशन अगर वो मींस अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी उनको फैसिलिटेट किया जाए। मींस फॉरेन एड अगर इन दो बेसिक नीड पर हम खर्च कर देते हैं तो इस तरह से भी हम पॉवर्टी में कमी ला सकते हैं। सेकेंड वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दिस इनेबल्स ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट मे बी डिफ़िकल्ट टू डू विदाउट द राइट स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की गई है कि मीन्स कि उसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से मीन्स कर सकते हैं मैनेज के वो भी हमारी पॉवर्टी रिडक्शन में थोड़ा हेल्प आउट हमें कर सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं लाइक जो मींस के टैक्स को इंक्रीज किया जाए लेकिन उन पे जो के रिच हैं जिनकी इनकम लेवल ज़्यादा है उनको टैक्स ज़्यादा उन पे लगाया जाए और पुअर सेक्शन पे कम लगाया जाए। तो इस तरह से जो मींस रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा वो भी दोबारा से कुछ पॉलिसीज़ पे यूज़ करके पॉवर्टी में रिडक्शन की जा सकती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग जिनका इनकम लेवल कम है अगर उनका मींस के टैक्स लेवल यहाँ पे कम कर दिया जाता है तो उनको काफ़ी इस तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेट सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयड किया जाए, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अगर वो अनएजुकेटेड भी हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मींस कि उनको मजदूरों को भी हायर कर सकती है लाइक जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, प्रीवियसली हमने जो पॉलिसीज़ देखी थी वो दीज वर ऑल अबाउट द मैक्रो लेवल। अब हम देखते हैं माइक्रो लेवल पे कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि इंप्लीमेंट की जा सकती हैं फॉर इंडिविजुअल और फॉर द फैमिली और फॉर द हाउस होल्ड एज वेल। हायर मिनिमम वेज रेट को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर एक मिनिमम वेज रेट लाइक 10,000 फिक्स किया गया है तो उसमें अब इजाफ़ा होना चाहिए। जैसे इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हो रहा होता है तो वेज रेट में भी इजाफ़ा ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट कर सकें, अपने कंजम्पशन लेवल को फुलफिल कर सकें। तो प्रोविजन ऑफ टैक्स फ्री चाइल्ड केयर, इम्प्रूव फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, माइक्रो पॉलिसीज टू इम्प्रूव हाउसिंग सप्लाई एंड लोअर रेंट लेवल्स, पॉलिसीज टू इंक्रीज मार्केट लाइक जैसे कि लोअर रियल प्राइसेस होती हैं, हेल्पिंग द पुअर एनर्जी बिल्स, उनकी मींस के पावर एनर्जी बिल्स जो हैं वो भी कम किए जा सकते हैं। इंप्रूव एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट इन द पुअर फैमिलीज, जो कि फैमिलीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते तो उनको भी इस चीज़ में सपोर्ट किया जा सकता है लाइक उनको कोई स्कॉलरशिप्स दी जा सकती हैं ताकि वो अपना एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू रख सकें। फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स। अच्छा, अब ओवरऑल अगर आपको मैं रिव्यू दूँ लाइक पाकिस्तान का,
अब पाकिस्तान ने मींस कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो अडॉप्ट की हैं, लाइक आजकल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक एहसास प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, लाइक उसको इंट्रोड्यूस कराया है। प्रीवियस मेन गवर्नमेंट की बात करें तो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, उसके पीछे से प्रीवियस भी कुछ ऐसे मींस के प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो इन सब का भी बेसिक पर्पस क्या होता है कि हाउस होल्ड को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। रादर इसके दरमियान काफ़ी करप्शंस भी होती हैं कि लोगों को उस हद तक वो चीज़ मिल नहीं पाती कि जितना उनको मीन्स उसका इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स के हेल्प आउट कर सके लोगों की बेसिक नीड को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कुछ माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़, कुछ मैक्रो लेवल की पॉलिसीज़, ये हेल्प आउट कर सकती हैं पॉवर्टी रिडक्शन में। अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं तो लाइक एवरी गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्ट द सेम पॉलिसीज़, नॉट एट ऑल। उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, लाइक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उन वो कुछ अपनी प्लानिंग को लेके चलते हैं। तो इस तरह से मींस के पॉवर्टी रिडक्शन जो है हम कह सकते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो कुछ टाइम लगता है इसको मींस कि इसमें रिडक्शन में। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द पॉवर्टी एंड इट्स टाइप एंड द पॉलिसीज, लाइक मैक्रो पॉलिसीज एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। आई होप इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much for watching the video. Love is